बोलिए बाबा मानगिरी महाराज की। सभा में उपस्थित इस पवित्र स्तन पर विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, नौजवान साथियों, भगवान स्वरूप संत समाज सभी को आपके बच्चों की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है। राम राम। सर्वप्रथम इस पवित्र सतली के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इतनी महान मूर्तियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है और सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय हरियाणा संस्कृति की धरोहर अमर शहीद कवि जाट मेहर सिंह समिति सांस्कृतिक मंच की तरफ से 100 रुपये से भाई मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और सर्वप्रथम एक भजन, भजन में कवि ने क्या दर्शा दिया, क्या अंदर भटक रही बंगले की वा, तरह तरह की फोटो नक्शे लटक रही बंगले की वा। और करना ये शरीर ये बताते पांच तत्वों से बना गया पुतला, और इस शरीर को जब डाटा जा सकता है, इस मन को जब डाटा जा सकता है, ये इन इंद्रियों से तरह तरह के गलत काम करवाता है। जब साधु की शरण में जाना हो, साधु उसको इसका तत्व ज्ञान दिखलाता है कि तुम निरंकार की संतान है, मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में मिल जाना है। अगर ध्यान करना है इस परम पिता परमात्मा का ध्यान, फिर ऐसी ऐसी जगह बनाई, संत लोग आए। कवि ने लिखा है कि आग लगी आकाश में जर्जर पड़े अंगार, आग लगी आकाश में जर्जर पड़े अंगार, अगर संत न होते तो जल मरता संसार। ये प्यार सिखाते हैं, ये सारी चीजें मगर काट के मारे जाने, फिर इसको मेल करा दे। क्या देखा मन ने,
अरे एक फोटू में, एक फोटू में पहला फोटू दरवाजे पे आठी चार खड़े देखे, दूसरा फोटू जका महू का मच्छतरी बार खड़े देखे, तीसरा फोटू महाराणा का वर्ण में त्यार खड़े देखे, अरे चौथा फोटू कोरो का वक्र के हार देखे, हमारे पिता तुल अंकल जी 101 पुष्प पार्टी का मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। पहला फोटू दरवाजे पे हाथी चार खड़े देखे, दूसरा फोटू जका महू का छतरी बाहर खड़े देखे, तीसरा फोटू महाराणा का रण में तैयार खड़े देखे, चौथा फोटू कोरो का जो करके हार खड़े देखे, पांचवे फोटो में पांचों पांडव अटक रहे बंगले की माँ, तरह तरह के फोटो नक्शे लटक रहे बंगले की माँ। ध्यान से सुना, पहले फोटो में दरवाजे पे, अरे तेरे द्वार पर दुनिया मान से पहले बताया है कि मत लोग माने की बात कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे इंसान को कर्म बांट दिए गए, ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बाद क्षत्रिय धर्म का पालन किया, अक्षत्रिय धर्म में वीर हुआ। आपसे नजदीक राजस्थान लगता है, राज बताना सभी को पता है, महाराणा प्रताप कौरव का दृश्य दिखाया अगले फोटो में कि वो हार जाते हैं अगर अधर्म पर चलोगे, और पांचों पांडव अटके लक्षाग्रह का सीन दिखाया। लेकिन इंसान को बताया है बातों ही बातों में, ये पांच तत्व से पुतला बनाए, इंद्रियों को वश में रखना होगा, अन्यथा ये ऐसे ही जाएगा। अगले फोटो में क्या देखा, छठा फोटू, छठा फोटू गोपनिया का, छठा फोटू गोपनिया का सब दर्शन की आस करे, सातवां फोटू गोकुल मथुरा जहां कृष्ण जी वास करे, आठवां फोटू रामचंद्र का कह कई कह कह के बदवास करे, नौवे फोटो में दोनों भाई सीता ने तलाश करे, नौवे फोटो में भाई सीता ने तलाश करे, दसवें फोटो में सजावट के अंदर की मन भटक रहे, के मां तरह तरह के फोटो नक्शे में लटक रहे।
साथी मनोज भागी से 101 रुपये से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। छठा फोटो गोपनिया का सब दर्शन की आस करें, सातवां फोटो गोकुल मथुरा जहां कृष्ण जी वास करें, आठवां फोटो कैकई का जो रामचंद्र को वनवास करें, नौवें फोटो में दोनों भाई सीता ने तलाश करें, दसवां फोटो में राजा दशरथ सरपटक रहे बंगले की माँ, तरह तरह के फोटो नक्शे लटक रहे। समझाया है इंसान परम फास में फंस कभी, वचना में फंस कभी, जब इंसान का दल बदलता है तो वो भगवान को भी नहीं देखता, उसको भी वनवास करा दे। आगे क्या बता रहे फटू लंका का जो सोने में खड़ी होई, बारहवा फटू उस बगीची का जहां जानकी पड़ी होई, तेरहवा फटू उस गुट्ठी का जो राम नाम में चढ़ी होई, चौदहवीं फोटो में हनुमान ने देख के सीता कोई खड़ी, हनुमान ने देख के सीता कोई खड़ी, पंद्रहवा फोटो से और प्रिगमान समान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ग्यारहवा फोटो लंका का जो सोने में घड़ी हुई, बारहवा फोटो उस बगीची का जहां जान की पड़ी हुई, तेरहवा फोटो उस गुट्ठी का जो राम नाम में जड़ी हुई, चौदहवें फोटो में हनुमान ने देख कर सीता हुई खड़ी, पंद्रहवा फोटो अंगद का पैर झटक रहे बंगले की माँ, तरह तरह की फोटो नक्शे लटक रहे बंगले। आखिर में क्या लिखा है चौधरी साहब, उस बंगले का जहां बीच में सतम खड़े, सात दहाड़ के रंग मुखमली नारे नारे फरस पड़े, बीच के मां पलंग नवारी पन्ने लाल जड़े, अरे चौक देखे मुठी आगे
सी को मोर लड़े डायरेक्टर दलवा लो।